वाद विवाद श्री राजेंद्र राठौर। अध्यक्ष महोदय, कल सदन के नेता ने 26 महीने पुरानी सरकार का तीसरा बजट इस पवित्र सदन में प्रस्तुत किया। 145 मिनट वो बोले पानी पी पी कर, और 306 अलग अलग पैराओं में सम्मिलित इस उबाऊ थकाऊ कपोल कल्पित घोषणाओं से परिपूर्ण और निराशाजनक बजट को इस सदन में प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल के उन हरावल दस्ते को जिन्होंने जब इस थकाऊ उबाऊ बजट को पूरा सदन सुन रहा था, कई लोग निंद्रा के आगोश की ओर बढ़ रहे थे, मेज थपथपाकर आपने सदन में निंद्रा की आगोश में बढ़ने वाले सारे सदस्यों को जागृत रखा। और मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा, उम्मीदों पर दुनिया टिकी है। एक लंबे समय से किसी की शेरवानी लटकी है, किसी का बंद गले का कोट लटका है, किसी की जैकेट लटकी है। शायद मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पर आप में से बहुत से लोग उससे लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट 2021-22 के बाद बजट 2022-23 एक तरह से इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम कार्यकारी बजट रहेगा, क्योंकि 23-24 के अंदर जो बजट आएगा, सरकार का पांचवा बजट, चुनाव की छाया का बजट, आचार संहिता की गिरफ्त की ओर बढ़ती सरकार का बजट। और अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हम पिछले 3-4 दशकों से देख रहे हैं, एक जन परंपरा बन गई, सत्तारूढ़ दल सत्ता में आता है परंतु उसकी विदाई की संभावनाओं को साथ लेकर आता है। और इस बार जो ये सरकार आई, बड़ी शीर्ण बहुमत से आई है सरकार, और इस सरकार का जो बजटीय घोषणाओं की का परिणाम सामने आया, जन घोषणाओं पर जिसको आपने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अपने शासन का आधार बताया था, उनकी गूंज भी आज राजस्थान के गांव और कस्बों में गूंज रही है। मैं समझता हूं कि पुनः जन आदेश की कल्पना इस सरकार को करना एक तरह से असंभव हो जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर ये प्रावधान रखे कि प्रत्येक लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार वर्ष वर्ष के अंदर जो अपना राजस्व जनता से कर के रूप में, फीस के रूप में या किसी भी रूप में एकत्रित करती है, वर्ष के एक निश्चित दिन पर उसका व्यय किस प्रकार होगा, इसका लेखा भी सदन में प्रस्तुत करती है, जिसको हम बजट कहते हैं। और इस प्रकार का प्रावधान अध्यक्ष महोदय आर्टिकल 202 के अंदर संविधान में लिखा है, उसी आर्टिकल 202 के अंतर्गत सदन के अंदर आज हम इस बजट पर बहस कर रहे हैं। और आर्टिकल 202 से 207 के अंदर अध्यक्ष महोदय वो सारी प्रक्रिया निर्धारित है जिसके तहत ये बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, बजट क्या है, बजट की सेंटिटी क्या है, बजट की पवित्रता क्या है, मैं सदन के नेता के मुख से जो बातें बजट के बारे में आई सदन में उन्होंने कही, उनको उद्धृत करना चाहता हूं। 2019 के अंदर 10 जुलाई को पहला बजट प्रस्तुत करते हुए सदन के नेता ने कहा, राज्य का बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीतियों का ऐसा आईना है जिसमें जनता अपनी उम्मीदें और सपनों का प्रतिबिंब देखती है। निश्चित तौर पर किस प्रकार का प्रतिबिंब जनता ने देखा, मैं आगे बताऊंगा। और उसके बाद फिर 2020 के अंदर 20 फरवरी को बजट पैरा 2 के अंदर बजट को पुनः सदन के नेता ने जिस प्रकार व्याख्यातित किया, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा 20 फरवरी 2020 में बजट वर्तमान और आगामी वर्ष का वित्तीय विवरण को तो पेश करता ही है, साथ ही सभापति जी कहते हैं सदन के नेता सरकार का आर्थिक एजेंडा भी तय करता है, और हमारी सरकार की वित्तीय नीतियां
अहम प्राथमिकता क्या है। इसके लिए हमने कृषक, पशुपालन, महिलाओं, छात्रों, युवाओं और औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों और सिविल सोसाइटी आदि से सुझाव व विचार लेकर एक समावेशी बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर 19-20 और 20-21 का जब बजट मैं देखता हूं, दोनों बजट 242 पैरों के अंदर, उसके अंदर क्या क्या समावेश किया, समावेश किए हुए बजट के पैरा उस बजट के कागजों से बाहर निकल नहीं पाए, समावेश ही रहे, ये इस सरकार की एक तरह से आदत है। और इस बार आपने जो 2021 का बजट पेश किया, उस बजट को प्रभावित करते हुए सदन के नेता कहते हैं, बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला तैयार करता है, इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करता है। ये अपने तीन बजटों के अंदर सदन के नेता ने बजट के लिए जो कमिटमेंट किया है, सदन में बजट को प्रभावित किया, वो मैंने आपको बताया। और इस बार तो बजट प्रस्तुत करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल का वो शेर पड़ा, सभापति महोदय, पलट देते हैं हम मोजे हवादिस अपनी जरूरत से, हमने कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए। अब इस चिराग के, जले हुए चिराग के अंदर इन तीनों बजटों की रोशनी जब मैं देखता हूं, तो मैं समझता हूं कि घोषणाओं के बारे में मुख्यमंत्री जी कल कह रहे थे, ये मेरी जादूगरी है निश्चित तौर पर। सभापति महोदय, आप तो कई बार आपने इंद्रजाल का जादू देखा होगा। सभापति महोदय, इंद्रजाल का जादू सिर्फ 2 घंटे का जादू रहता है, और मैं दावे के साथ कहता हूं इस बजट के बारे में, जब इस बजट की कलियां खुलेगी, 2 दिन के अंदर राजस्थान की जनता समझ जाएगी इस बजट के माध्यम से सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। सभापति महोदय, अभी इसी 19 फरवरी को राजस्थान पत्रिका के प्रमुख संपादक गुलाब जी कोठारी का एक आलेख छपा था, आलेख था भ्रष्टाचार पर राजप्रस्ती, और उस आलेख के अंदर उस संपादकीय के अंदर 2019-20 और 20-21 के बजटों को उन्होंने बड़े विश्लेषण के साथ 3 शब्दों में उन बजटों की परिणति बताई। उन्होंने कहा, पूर्व बजट घोषणा लागू नहीं हुई, एक बार फिर नए बजट की तैयारी है, और कई विभागों का बजट अपना आधे से भी ज्यादा पूरा कर नहीं पाए। ये मैं नहीं कहता, ये बात उस आलेख में छुपी है। और सभापति महोदय, 19-20 के अंदर बजट पैरा 8 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता बताई। पहला बजट था, उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता का पूरा ब्यौरा घोषणा पत्र में दर्ज, हमारी कार्य योजना का ही अंग है। आज घोषणा पत्र राजस्थान के उस किसान के हाथ में भी है, जो संपूर्ण कर्जा माफी की बात को लेकर आप पर विश्वास जिसने किया था, उस बेरोजगार नौजवान के हाथ में भी है, जिसको आपने कहा था कि आप एक बार बेरोजगारी भत्ता लेने के हकदार हो जाओगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपना नाम इंदिराज करा दो। उस राजस्थान के हर उस व्यक्ति के पास जिसको विकास का सपना आपने दिखाया, उस सपने को आपने तोड़ा। जन घोषणा पत्र की घोषणाओं की गूंज इस सदन से निकलकर राजस्थान के गांव, गली, किसान, कस्बे के अंदर है। मैं समझता हूं सब समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट का आधार हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, और इस बार 21-22 के बजट में, बजट पैरा 303 में मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीठ खूब थपथपाई, खूब। उन्होंने कहा, हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि प्रदेश के सभी तबकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने की कार्य योजना बनाते हुए हमने एक दूरगामी विजन के साथ बजट प्रस्तुत किया, दूरगामी विजन। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का आम आदमी राजस्थान के ठहरे हुए विकास को देख रहा है, रुके हुए विकास के रथ को देख रहा है। अध्यक्ष सभापति महोदय, राजस्थान की कोई ट्रेजरी में चले जाओ, ट्रेजरी अटी पड़ी है, जिन संवेदनों को ने, ठेकेदारों ने काम कर लिया, उनको आज बिल का भुगतान करने की ताकत भी उस ट्रेजरी में इसलिए नहीं है कि ये राजस्थान की सरकार आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात
कहते हैं ना, पत्थर फेंकना बहुत आसान है, पर जब कभी भी शासन में बैठो, उंगली यूं करो तो चार उंगलियां अपनी तरफ भी उठती हैं। आपने सचेतक महोदय, 19-20 और 20-21 का बजट, मैं जो कह रहा हूं अपनी तरफ से एक बात नहीं कह रहा हूं, 19-20 का बजट पैरा 10, 20-21 का बजट पैरा 7, आपने पिछली सरकार को क्या नहीं कहा? पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई। बिल्कुल ठीक है साहब, हमारे कुछ ना कुछ कमी थी, हम इधर आके बैठ गए। हमारे पिछले कार्यकाल में याद किया, हमारे पिछले कार्यकाल में कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण 2010-11 में रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति थी, जो 2012-13 तक बनी रही, परंतु गत सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण से रेवेन्यू डेफिसिट 2018-19 में 29,000 करोड़ तक पहुंच गया। यानी अब इन्होंने कह दिया, उस समय ये बजट के अंदर का दो साल कहा, अब रेवेन्यू डेफिसिट का जमाना चला गया, अब तो जादूगर के हाथ में जादूगरी है, कुशल वित्तीय प्रबंधन है। अध्यक्ष महोदय, मैं कागज पढ़ रहा था, यह मैं नहीं कह रहा, यह सोर्स है मुख्य सचेतक महोदय, बजट एट ग्लांस 20-21-22 पेज नंबर 3। उसमें सभापति महोदय 18-19 में जो रिवाइज एस्टीमेट में आए तो आपका पदार्पण हो गया था, 24,848 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट था। और उसके बाद 19-20 में रिवाइज एस्टीमेट जब लेकर आए हैं सदन के अंदर, तब भी आप ही विराजे थे, वो बढ़कर हो गया 28,063 करोड़, यानी आपके पदार्पण के साथ 4,115 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट आपने बढ़ा दिया। और अब अध्यक्ष महोदय, मैं इन कागजों को जब देखता हूं तो मैं समझता हूं आंकड़ों की जादूगिरी एक बार की जा सकती है, पर शायद आपको यह कल्पना नहीं होगी, इस बार सदन के नेता इस प्रकार बजट कर रहे थे, बजट की घोषणाएं कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, जब जर्मन की सेनाएं हार गई थी और जब वापिस पीछे हटना पड़ रहा था हिटलर को, तो उसने कहा जितनी भी पुल है, जितनी भी सड़कें हैं, सब उड़ा दो, क्योंकि दोबारा उसको आना नहीं। इन्होंने बजट इसी तरह प्रस्तुत किया। 2020-21 के अंदर आपने रेवेन्यू डेफिसिट, जो आपके कागजों में प्रमाणिक दस्तावेजों में मैंने देखा हुआ, 12,378 करोड़, 20-21 में कह रहा हूं, बजट एस्टिमेट आपने ये किया था। और जब आरी में आप आए, अभी आपने कागज दिया तो बढ़कर कितना हो गया, 41,721। ये है आपका रेवेन्यू बजट डेफिसिट की कहानी। और अध्यक्ष महोदय, ये बी से आरी का सफर में 29,343 रेवेन्यू डेफिसिट राजस्थान का, यानी राजस्थान के खजाने में आज जाओगे तो चूहे भी नहीं है, क्योंकि वो तो डेफिसिट के अंदर है। और अब आप मुझे बताओ कि आप कौन सा जादू का चुराग लेकर आए हो कि आपने इस बार जो राजस्व घाटा 21-22 का 23,750 का भी अनुमान लगाया है, ये किस प्रकार, क्योंकि आपकी आरी कह रही 41,721 का घाटा, अब ये 17,971 करोड़ का किस प्रकार रेवेन्यू डेफिसिट आप कम कर दोगे? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, समग्र घाटे को जोड़ूं, तो ये होता है 65,471 करोड़ का। यानी सभापति महोदय, मेरे घर में अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं विकास की बात करूंगा, घर बनाने की बात करूंगा। आपने जितनी भी बात कही सदन के अंदर, घोषणाओं का अंबार आपने लगा दिया, ये सारी घोषणाएं कपोल कल्पित है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य सचेतक महोदय, एक शेर के माध्यम से मेरी भावनाएं प्रकट करना चाहता हूं। घर और मकान में बड़ा फर्क है, घर और मकान में बड़ा फर्क है, एक में जान है, दूजा बेजान है। ये हालत है आपके बजट की। अध्यक्ष महोदय, मैं घर और मकान में बड़ा फर्क है, सभापति महोदय, घर और मकान में बड़ा फर्क है, एक में जान है, दूजा बेजान है। आपको क्या जाने घर क्या है और मकान क्या है? बड़े बड़े नहीं बोले तो सभापति महोदय, एक दूसरा इंडिकेटर, कृपया शांत रहे, एक दूसरे इंडिकेटर को जिसको हमें फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, उस फिजिकल डेफिसिट में राजस्थान की सरकार की इस आर्थिक स्वास्थ्य की हालत क्या है, यह सबसे बड़ा इंडिकेटर है। मैं फिर कह रहा हूं, FRBM एक्ट 2021-22, सोर्स मेरा पेज नंबर 1, उसमें आपने क्या कहा है सभापति महोदय,
2019-20 की तुलना में 2020-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, ये खुशहाली का प्रतीक है सभापति महोदय, GSDP वो प्रचलित मूल्यों पर 4.11% और स्थिर मूल्यों पर 6.6% कम हुआ। और इसी में एक इसी डॉक्यूमेंट में एक और कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय भी 5.29% कम हुई, यानी जिस राज्य का GSDP गिरता जाए, प्रति व्यक्ति आय गिरती जाए, और उसमें बिना बजटीय प्रावधान के आप घोषणाओं का अंबार लगा दो, आप इस सदन की अवमानना कितना करना चाहते हो सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, ये जो 2019-20 के अंदर जो फिजिकल डेफिसिट था, जो बजट एट ग्लांस पेज 3 टेबल 9 में से आप लिख लो, बजट एट ग्लांस पेज 3 टेबल 9, 19-20 के अंदर जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 33,654 करोड़, और 20-21 में जो बजट एस्टिमेट आपने रखा, रेवेन्यू डेफिसिट आपने रखा 33,922 करोड़, यानी GSDP का 2.99%। अब आप 2020-21 में जब दोबारा आप आरी में आए, जो रिवाइज एस्टिमेट आए, बजट अनुमान कुछ भी रख दो, बजट अनुमान के बाद जब रिवाइज एस्टिमेट आते हैं तो पोल तो तब खुलती है, तो आपका काम बढ़कर चला गया 58,608, GSDP का 6.12%। ये फिजिकल डेफिसिट में बी और आरी के अंदर 24,686 करोड़ रुपए का बढ़ोतरी, GSDP का फिजिकल डेफिसिट का अनुपात 2.99 से बढ़कर 6.12। अध्यक्ष महोदय, FRBM एक्ट ने हमें वित्तीय अनुशासन में बांधा, 3% GSDP से ज्यादा हमारा फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। यह 6.12% हाई फिजिकल स्ट्रेस में राजस्थान आ गया, और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब आप GSDP को जो आपको परमिसेबल लिमिट है, भारत सरकार ने कोविड के कारण से 3% को बढ़ाकर कुछ शर्तों के साथ 4% किया, अब आप GSDP का फिजिकल डेफिसिट 3.98, यानी 21-22 की बी में आपने 47,652, ये आपका फिजिकल डेफिसिट जब आप आरी में आओगे, तो मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैं शास्त्री तो नहीं हूँ सभापति महोदय, पर मैं थोड़े बहुत आंकड़े पढ़ना जानता हूँ, मैं जुम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये बढ़कर हो जाएगा, अब आप 3.98% का जो आपने कैप के अंदर रहने की बात कर रहे हो ना, ये बढ़कर जाएगा 9 से 10%, ओडी में जाएगी राजस्थान की हुकूमत, मैं कह रहा हूँ, जुम्मेवारी से कह रहा हूँ। मुझे आपके GSDP के ताजा आंकड़े मिले नहीं, मैं आपको प्रतिशत भी बढ़ा देता, मैं बता देता। सभापति महोदय, आज हालात क्या है, आज राजस्थान हिंदुस्तान के उन राज्यों में शुमार हो गया जो सबसे बड़ा ज्यादा कर्ज भार से दबा हुआ है, कितनी बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चाहे आपका जन घोषणा पत्र उठा के देख लो, चाहे आपके 19-20 का बजट पैरा 12 देख लो, चाहे आपके 20-21 का बजट पैरा 7 देख लो। सभापति महोदय, क्या ये कहते हैं, ये बजट के पवित्र डॉक्यूमेंट में क्या लिखते हैं, पिछली सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अत्यधिक ऋण लिया, बड़ा गुनाह किया, जिससे राज्य का कर्ज के तले दब गया, जहां मार्च 2014 में जब हमने शासन छोड़ा था तो कर्ज व अन्य लाइबिलिटी थी 1,29,910 करोड़, जो राज्य की GDP के 23.58% थी। इस प्रकार हमारी सरकार ने FRBM एक्ट 2005 द्वारा निर्धारित वित्तीय मान के 25% के भीतर रखने में हम सफल रहे, मतलब बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, और 2018-19 के संशोधित अनुमानों से यह बढ़कर हो गया 3,09,385 करोड़, राज्य के GDP का 33.47, और ये गुनाह और ये दामन में दाग लगाया आपने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा गुनाह किया, ये मैंने नहीं कहा, ये आपके बजट पैरा प्रतिपक्ष नेता जो 20-21 में बजट पैरा 7 में और 19-20 में बजट पैरा 12 में इन्होंने कहा, वो मैंने कहा। अब आपकी हालत क्या है, फिर मैं कह रहा हूँ, फिर मेरा सोर्स है राज्य सरकार उधार अन्य दायित्व संघटक टेबल प्रारूप 4(6) FRBM Act पेज 22। 19-20 के अंदर आपकी जब आरी थी बजट में कुल कर्जे की, वो थी 3,41,000, आप पधारे, बढ़ गया, आपने पहले हम पर आरोप लगाया था कि हमने कर्जे को 3,09,885 करोड़ बढ़ा दिया, आप पधारे, आरी के अंदर बढ़ के हो गया 3,41,000, और फिर 20-21 की बी में आपने इसको बढ़ाकर कर दिया 3,75,000 करोड़, और जब आरी में आप आए, पूरा साल गुजर गया, आपने कितना कर्जा लिया,
कर्जा लिया आपने 4,09,000, और जब इस बार जो बजट एस्टिमेट आपने रखा उसमें कर्जा है 4,57,000, यानी 2 वर्षों के अंदर सरकार का कीर्तिमान, दूसरी सरकार पहली सरकार पर पत्थर फेंकने वाली सरकार का कीर्तिमान, आपने 2 वर्षों में 1,16,000 करोड़ का कर्जा लिया। भूतोनो भविष्यते, राजस्थान जब से बना तब तो नहीं हुआ, यानी 58,000 करोड़ हर साल में आप कर्जा लेते रहे और आरोप आप हमारे पर लगाते रहे। अब अध्यक्ष महोदय, सरकार की हालत क्या है? सरकार माने सदस्य, माने सदस्य, प्लीज प्लीज समाप्ति महोदय, राज्य के आयोजना सचिव सिद्धार्थ महाजन का एक वक्तव्य में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि राज्य की टोटल ऑन टैक्स रेवेन्यू उससे 108% ज्यादा राज्य के अंदर टोटल टैक्स रेवेन्यू, सभापति महोदय, जिसमें टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों मिलाकर उससे 108% ज्यादा राशि तो वेतन में, पेंशन में, और जो ब्याज लिया ना इन्होंने, जो ऋण लिया उसके ब्याज में जा रही है। और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, मेरा एक आंकड़ा गलत हो, मैं एक भी गलत बात कह दूं और बिना सोर्स के कह दूं तो आप मुझे टोक देना। सभापति महोदय, 19-20 की आरी के अंदर जो राज्य का स्वयं का कर राजस्व है और इसका सोर्स है FRBM एक्ट 18-19 पेज नंबर 13, आपका 70,351। सभापति महोदय, आप मुलायजा फरमाए, वेतन में जाता है इनका कुल अपना एक साल का 70,351, वेतन में गया 52,262, ब्याज में गया 23,759 और पेंशन में गया 22,224, यानी कुल 98,245, 139%। यही नहीं रुके ये, अब 2020 और 21 की जो बी थी, मैं मान लेता हूँ आपने जितना बजट एस्टिमेट किया उतना आपका टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू आपने कर लिया, आपने 77,029 का आपने बजट एस्टिमेट किया, उसमें क्या है सभापति महोदय, वेतन पर गया 62,021 रुपये, ब्याज पर गया 25,494 और पेंशन पर गया 23,959, यानी 1,11,474। प्रतिपक्ष नेता, देखो आप इसको, ये 145%, ये क्या जा रहे हैं, पल्ले नहीं दाणा अम्मा चली भुनाने, ये हालत क्या राजस्थान की? किस प्रकार आपने घोषणा इधर घोषणा करा डाली? कितने दिन आप इस पर्दे के पीछे रहोगे? चेहरे से नकाब खींचा जाएगा सभापति महोदय, राजस्थान का आवाम देखेगा असली चेहरा इस सरकार का, विकास विरोधी। सभापति महोदय, अब जो 21-22 की बी है उसमें आपने रेवेन्यू टैक्स, जो इनका टोटल टैक्स रेवेन्यू है उसको बता दिया कब तो 90,050 करोड़, जब आपने कर कोई लगाया नहीं, जब आप ये मानते हैं कोविड के कारण आपकी इकोनॉमी की गति कम हो गई, आप ये 77,000 से 90,000 तक ऑन टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ा लोगे? क्या है आपके पास एजेंडा? और इस समय भी सभापति महोदय, 1,22,227 करोड़ वेतन पेंशन और ब्याज आपका, तो मैं अलग अलग कंपोनेंट बता दूं, 136%। क्या हालात है आपकी? मैं समझता हूं पूरी आपकी बजट केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा और केंद्र की कृपा से मिलने वाली सहायता पर टिका है। सरकार, केंद्र सरकार को गाली देते हो सभापति महोदय। अब इस बार 19-20 के अंदर जो टोटल इनका रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो था 70,351 और सिर्फ ब्याज में गए 23,759, यानी 33% पैसा ब्याज में चला गया, और 20-21 में 77,029 इनका बजट एस्टिमेट की बात ही कर रहा हूँ, और ब्याज में चले गए 25,494, यानी 33% चला गया, और इस बार इनका बजट एस्टिमेट 90,049 मान लूँ तो भी 28,360 तो ब्याज आपको देना पड़ेगा बजट एट ग्लांस पेज नंबर 3 और 4 में, ये 31.49। ये सरकार की हालात है। और इस बार सभापति महोदय, जो प्लान साइज है, सरकार ने प्लान साइज 1,32,251 का बनाई वार्षिक योजना, उस 1,32,251 के अंदर सरकार की सारी घोषणाओं को सम्मिलित किया है। अभी अभी पोषित कैसे होगी? मैं निवेदन करूं कि ये योजनागत व्यय ये विकास का आधार है और विकास की आधारभूत संरचनाओं में जो बजट की घोषणा की उसमें समावित है। आपने 2019-20 में 1,16,735 करोड़ की आपने आउटले बनाए, प्लान साइज बनाई, और आपने
ये जो आप बजट स्टडी पेज 48 में जब मैंने देखा तो आपने योजना पूरी की 1,05,133 यानी 11,602 करोड़ तो भेंट चढ़ा दी आपने। काटो, ये घोषणा हो रही है ना सभापति महोदय, इसीलिए तो हालत है। ये कॉलेज खोल दिया 88, एक के किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 3 लाख। ये भवन का पैसा नहीं, ये घोषणाएं दर घोषणाएं। और आज फिर मुख्यमंत्री जी आए, कुछ घोषणाएं रहेगी? क्योंकि जब डगमगाती कुर्सी है, नैया जब डगमगाती है तो साहिल तक जाने से पहले नाविक भी घबराता है। इसीलिए आखिर घोषणा कर डाली और इतनी और कर डालो, क्योंकि आपको वित्त पोषित तो करनी नहीं। और हालत क्या है, ये जो 2020-21 का जो प्लान अब पूरा हो रहा है सभापति महोदय, मैं जुम्मेवारी से ऑथेंटिक बात कह रहा हूं, 1,10,200 का प्लान था। और मैं नेता प्रतिपक्ष से सहयोग चाहूंगा, 31 दिसंबर तक आपने जो खर्चा किया वो खर्चा किया आपने 68,487 यानी 41,713 करोड़ रुपए। अब आपको 3 महीनों में खर्च करोगे, कैसे करोगे आप, कहां से लाओगे आप? यानी मेरा आरोप है सरकार पर, आपने प्लान साइज को 40% काटा और अब आपका 1,32,251 का ये कैसे प्लान साइज पूरा होगा? कौन सा आप नया टैक्स लगा रहे हो? रेवेन्यू टैक्स, रेवेन्यू कम हो रहा है आप, हाँ यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना सभापति महोदय। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब सदन के नेता केंद्र के 3 कृषि कानून पर अपने भाषण नहीं देते हो। बड़े किसान के इतेसी है। अब इन्होंने क्या किया, पिछली बार बजट स्टडी पेज 46 लिखिया और उसमें आपके जो संशोधित योजना जिसका आपने ब्यौरा दिया 2021 में, मुख्य सचिव जी आपने 11,490 करोड़ का प्रावधान रखा कृषि सेवाओं पर किसान पर खर्च करने का। और आपके बजट स्टडी पेज 48 क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडिचर टेबल है उसके अंदर, 31 दिसंबर तक आपने पैसा खर्च किया राजस्थान के किसान की बेबुदी के लिए 6,612 करोड़। दुर्भाग्य है 4,878 करोड़ यानी 40% खर्च कर रहे हो और किसान की बात कर रहे हो। और फिर बात आप कर रहे हो कि केंद्र सरकार ने, इन्होंने कहा पैरा नंबर 302 में, मैंने 302 धाराएं लगा दी केंद्र पर, केंद्र सरकार मेरे, मैं सदन का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा देख केंद्रीय करों में राज्य हिस्सा राशि में की गई कटौती को और दिलाना चाहता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 2020-21 में केंद्र द्वारा 14,54,00,000 की कटौती की गई और आगामी वर्ष के लिए 40,106 करोड़ का प्रावधान, 81 लाख का प्रावधान किया यानी 6,779 करोड़ की आपने कटौती की बात की। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपको तो श्रीमान को पता है, आप तो संविधान के ज्ञाता हो, हमें हर साल केंद्रीय वित्त आयोग बनता है, 15वां वित्त आयोग जो अभी एनके सिंह की अध्यक्षता में बना, उसकी रिपोर्ट अभी सदन में रखी गई है, संसद में रखी गई है, उसमें इस डिविजुअल पूल के अंदर राज्यों को हिस्सा 41% किया गया और जो 14वें वित्त आयोग में राजस्थान का हिस्सा था 5.50 डिविजुअल पूल में, वो बढ़कर हो गया 15वें वित्त आयोग में 5.98 यानी 0.48 बढ़ा। तो कहने में क्या, एक बार अगर लिख देते कि धन्यवाद केंद्रीय सरकार को, प्रधानमंत्री 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री का धन्यवाद, सीना तो 60 इंच का इनका, कल इन्होंने कहा। पर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं महेश जी, केंद्रीय करों में अपना हिस्सा पहले 2.3% था, वो भी 2.45% हो गया और सहायता में 10% अपने गौर मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें सही बात है कि 2020-21-22 में अभी संसद के अंदर जब बजट रखा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि 2020 के अप्रैल से अक्टूबर तक, और जब 2019 के अनुपात में देखें तो राज्यों की राजस्व प्राप्तियां 13% कम हुई है, ये संसद में ये बात उठी। और भारत सरकार ने ये भी माना कि आज पूरे देश के अंदर सारे राज्यों ने 4,60,000 करोड़ रुपए बाजार से लिया, जो पिछले साल से 82% ज़्यादा है। और निश्चित तौर पर मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, ये GST की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिखो खेल खूब करते, चिट्ठी लिख डाली। मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर जो GST के अंदर सेस लगाया था राज्यों को 14% की बढ़ोतरी के हिसाब से, वेट बढ़ोतरी के हिसाब से जो 5 साल तक कंपनसेशन देना था वो डिप हो गया, 70,000 करोड़ रुपये कम हो गया, जो कुल मिला के 1,65,000 था उसमें 70,000 कम आया, और कुल मिला के GST की क्षतिपूर्ति
इस साल तक राज्यों के अंदर केंद्र की दर देनदारी होगी 2,30,000। और इसीलिए तो जीएसटीपी में जो 3% सीमा के में से 5% क्या उसके पीछे ही था। और इस कंपनसेशन को पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी चूकते नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर बोला नहीं पूरा केंद्र सरकार चुकाए, फिर विकल्प एक की तरफ जाना पड़ा नहीं इनको, जिसमें ये विकल्प दिया था केंद्र सरकार ने कि ये जो 2,30,000 उसमें 1,10,000 करोड़ रुपया जो राज्य है वो रिजर्व बैंक से लोन ले ले, उसमें ना तो उनको ब्याज देना पड़ेगा और मूल की भरपाई सेस से जीएसटी सेस से आने वाले समय में हो जाएगा। और मैं निवेदन करूं 2021 में मंत्री जी आपकी जितनी जीएसटी बनती है क्या ये सही नहीं है कि 5,462 करोड़ में दिसंबर तक आपके पास 3,162 करोड़ आ गए, मतलब क्यों पत्थर फेंकते हैं, मेरे समझ के बाहर की बात है। और निवेदन करूं मैं अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जो केंद्रीय करों में हमारी जो हिस्सा है आपको 2020-21 के अंदर जो आ रही आपकी थी उसमें केंद्र करों में हिस्सा आपने कहा कि आपकी किताब कहती है 32,885 और सहायता आपको मिली 30,486। 2020-21 के अंदर आपके आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो सहायता आपको बी के अंदर 29,892 थी वो बढ़कर होगी 30,486, तो 800 करोड़ की बढ़ोतरी कहने में संकोच है कहाँ, और मेरी समझ में नहीं आया। इसी तरह जो आपकी 21-22 के अंदर जो 2021 की केंद्रीय सहायता 30,486 थी वो बढ़कर होगी 36,475, आपने कागज दिया मैंने नहीं लिया, आप कैसे कह रहे हो कमी होगी 6,000 की बढ़ोतरी ये बोल रही है। इसलिए सभापति महोदय जीएसटी का कंपनसेशन 19-20 का राज्यों का 1,65,000 करोड़ ड्यू था आपने बताया, 2021 में कितना हो गया वो बता दो आप लोग, कुल मिला के बढ़कर 1,65,000 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया माननीय सदस्य वो बता दो आप, विराजी अध्यक्ष सभापति महोदय विराजी आप बोलिए क्या मतलब है सदस्य को मरते हुए से बोल रहे हैं माननीय सदस्य, ये कैसे बोल रहे हैं राजी आप, नहीं हटट क्या होता है माननीय बोल रहे हैं, इनको बोलने दें, जरूरी है आपका इंटरव्यू करना बीच में, वो कोई बात करे, आप ये सक्षम है राजेंद्र जी राठौड़ साहब सक्षम है संयम लोढ़ा जी को जवाब देने के लिए, आप क्यों पीछे उचक रहे हो, बैठिए आप, आपका दिखवाना पड़ेगा चेयर सीट दिखवानी पड़ेगी आपकी, प्लीज राठौड़ साहब प्लीज सहयोग करें विराजी आप, राठौड़ साहब मैं समझता हूँ सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य मैं आप मुझसे मिलना, मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता दूंगा, राठौड़ साहब पहले कहा आपको राठौड़ साहब 70। तो सभापति महोदय अब इस सरकार का बजट के प्रति जो कमिटमेंट जिसकी परिभाषा इन्होंने तीन बजटों में मुख्यमंत्री जी ने आईना बताया उसका अपना आर्थिक एजेंडा जो आंकड़े आपने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं वो छुपा के किए हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि साहब जीएसटी में इतना बढ़ा दिया गया और राज्य का हिस्सा इतना दे दिया गया, 15th पे कमीशन की रिपोर्ट ये थी उससे इतना मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं अभी बीच में आपको इंटरप्रेट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आपकी पूरी बात सुनना चाहता हूँ, जवाब दे दूंगा इस बात का मैं आपको, और ये फैसला भी सदन कर लेगी। 40,000 रुपये का टाँका लगाया, 40,000 रुपये का टाँका सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को, आप जब तो मैं समझता हूँ ये भी जवाब दे देना कि आपने जन घोषणा पत्र के अंदर पेट्रोल और डीजल में तत्कालीन सरकार के वेट को ज्यादा मानते हुए उसको जीएसटी के दायरे में लाने की घोषणा की थी आपने, जीएसटी काउंसिल में चुप्पी साध ले तो एक शब्द बोला नहीं जाता, आज इस देश के अंदर सर्वाधिक वेट अगर किसी पेट्रोल डीजल पर है तो राजस्थान की हुकूमत में है, आप दोषी पहुंचकर काउंसिल में डिबेट मत बनाइए इसको, जब मनमोहन सिंह प्लीज एक मिनट प्लीज मंत्री महोदय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे विराजी स्टैंड था नरेंद्र जी मोदी का बात का जवाब दे बाबत बैठे
प्लीज 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 मैं डिबेट कोई अंकित नहीं होगा मैं डिबेट नहीं होने दूंगा प्लीज। सभापति महोदय अगर इस तरह से चर्चा होगी मैं सोचता हूं जब आपका नंबर आए आप इन पॉइंट को नोट करके अपनी तरफ से स्पष्टीकरण ठीक तरह से दे दो तो जनता के बीच में भी चला जाएगा हकीकत क्या है। अगर कोई गलत आंकड़ा दे दिया तो आपका जब नंबर आता है उसको आप लिख करके दे देना उस पर क्या दिक्कत है। केवल बीच बीच में बोल करके अपनी बहादुरी बताने का काम मत करो। माने मैं सभी प्लीज एक मिनट मेरे पास माने सभापति महोदय एक मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात से सहमत हूँ लेकिन भाषा का एक स्तर होता है हट चुप ये भाषा इस्तेमाल हो सदन में कोई ऐसी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ ये अपने माननीय सदस्यों को कुछ भी कहे लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें। प्लीज प्लीज सहयोग रहे मैं आप सभी माननीय सदस्यों की अपेक्षा रखता हूँ माननीय सदस्य बोल रहे हैं इन्हें अपनी बात कहने दें आपका जब नंबर आए तो आप जो भी आपको रिप्लाई देना आप रिप्लाई दे दें इसको डिबेट मत बनाइए प्लीज। मुख्य सचेतक महोदय अगर आप और हम उस दौर में आ गए आपको पुरानी बातें याद है कि आप मुझसे डरते थे कि मैं आपसे डरता था आप मेरे को धमकाना चाहते हैं नहीं अध्यक्ष सभापति महोदय मुझे संरक्षण चाहिए सभापति महोदय ये बिल्कुल सीधा साधा निरीह आदमी मुझे इस तरह धमकाते हैं सभापति मुझे आप आसन पर बिठा दिए। सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाह रहा था कि 21-22 के बजट में आप तो 60 से भी ऊपर सीने वाले आदमी आपको संरक्षण की कहां जरूरत है। सभापति महोदय 21-22 के बजट में पैरा 70 में मुख्यमंत्री जी ने कृषक कल्याण कोष के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान 10 जुलाई 2019 के बजट पैरा 16 और 20 फरवरी 2020 के बजट पैरा 8 जिसमें किसान कल्याण कोष का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने भाषा में किया वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं। किसानों के लिए उपज को विपणन मंडी और भंडारण गृह तक पहुंचाना तथा उसका उचित मूल्य प्राप्त कराना भी बड़ी चुनौती है। किसान के इस भव्यमय संघर्ष से मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं चाहूंगा कि हम ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की दिशा में ठोस पहल करें। किसान भाइयों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की ओर पहल करते हुए बड़ा कदम उठाते हुए मैं 1,000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष के K3 की गठन की घोषणा करता हूं। इस कोष से किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने के काम में लिया जाएगा। यानी अब राजस्थान के अंदर MSP से नीचे किसी भी फसल की जब भी खरीद होगी ये K3 जो है 1,000 करोड़ से उसको सहायता दी जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये आपने अब अलग से कृषि बजट लाने की भी घोषणा बजट में कर दी। आप मुझे बताएं 19-20 गया 20-21 गया ये किस कृषक कल्याण कोष में से कितनी राशि आपने राजस्थान के किसानों के उत्पाद को यथोचित मूल्य पर खरीदने के अंदर किसानों को सहायता दी आप बजट का उत्तर दे बताएं। मैं निवेदन करूं सभापति महोदय आप जहां से आते हैं अपने आप बाजरा सर्वाधिक पैदा होता है धन्यवाद देना चाहूंगा मैं केंद्र की सरकार को। इस बार खरीफ 2020-21 के अंदर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलों का अधिसूचित हुई उसमें बाजरे की फसल भी थी 2150 रुपये उसका समर्थन मूल्य रख दिया। और राजस्थान में मैं नहीं कह रहा यह कृषि विभाग के आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 39,42,000 हेक्टर के अंदर बाजरा बुआई की गई और 44,64,400 बाजरा पैदा हुआ। और सभापति महोदय हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा ने MSP पर 2150 रुपये में बाजरा खरीद करना प्रारंभ कर दिया गुजरात ने कर दिया। जब यहाँ नहीं गया किया तो उच्च न्यायालय में किसान वेलफेयर सोसाइटी सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य इस सोसाइटी को अच्छी तरह जानते हैं किसान वेलफेयर सोसाइटी वर्सेस राजस्थान सरकार एक SLP दायर हुई आपने शपथ पत्र क्या दिया राजस्थान के अंदर 66% बुआई होती है देश के में बाजरे की आपने असमर्थता जाहिर की कि हम MSP पर बाजरा नहीं खरीदेंगे ये आपकी असली चेहरा है। और फिर आप सभापति महोदय मैं आपका ध्यान प्लीज माने सदस्य प्लीज अंकित नहीं होगा किसी का अंकित नहीं होगा सभापति महोदय माननीय राठौड़ साहब का अंकित होगा किसी का अंकित नहीं होगा प्लीज। मैं इसी बजट के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने कल रखा
उसके बजट पैरा 68 को सुनाना चाहता हूं। पेज 27, बजट पैरा 68। मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणी काश्तकारों को ऋण माफी का लाभ देने के लिए हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। इस संबंध में भारत सरकार से अभी तक सहमति प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति में हम स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी SLBC के संपर्क में रहकर ऋण राहत में प्रयासरत हैं और ऋण माफी से शेष रही राष्ट्रीयकृत बैंकें, अनुसूचित बैंकें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणी कृषकों को ऑन वन टाइम सेटलमेंट योजना का उपयोग करते हम ऋण माफ कराएंगे। कितनी आपने तालियां बजाई, हे भगवान, हे ईश्वर, ऊपर देखो कहीं। मैं समझता हूं सभापति महोदय, सब इतनी जोर से तालियां बजी, अब वो समय आ गया। आपने संपूर्ण ऋण माफी की बात कही थी, अब आप बजट के में घोषणा करते हैं तो हो ही जाएगा, क्योंकि बजट की सेंटिटी है, पवित्रता है। पर मैं आपका ध्यान 19-20 के अंदर जिस बजट को रखते हो, आपने कहा था आर्थिक नीतियों का ऐसा है ना जिसमें जनता अपने उम्मीदों को, सपनों का प्रतिबिंब देखती है। राजस्थान के किसान को आपने क्या किया? 19-20 बजट पर आप 25 वाणिज्यिक बैंकों, बैंक आदि के ऋणी किस्तकारों को ऋण माफी की राहत पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालय से संवाद प्रारंभ किया। हमने बैंक द्वारा उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ किए जाने वाले वन टाइम सेटलमेंट की तर्ज पर किसानों के साथ भी ऐसे सेटलमेंट के जरिए ऋण माफी के लिए आग्रह किया। मुझे विश्वास है मुझे कि आने वाले समय में हम ये प्रक्रिया अपनाकर पात्र किसानों को लाभ दिलाएंगे। ये प्रक्रिया 26 महीने का समय हो गया, 10 दिन में पूर्ण कर्जा माफ कर रहे थे। 18 लाख किसान है सभापति महोदय, जो शेड्यूल बैंक, नोटिफाइड बैंक, नेशनलाइज बैंक से जिन्होंने कर्जा लिया, आज अदर जूल में है, वो डिफॉल्टर हो गए, उनकी जमीन नीलामी होनी प्रारंभ हो गई। और मैं समझता हूँ सभापति महोदय, इस प्रकार की बात प्लीज और अब क्या हो रहा है? जरूरी है बोलना आपका? इसी बजट के पैरा 67 में आगामी वर्ष से आपके सदस्यों को कहूंगा, आपको बुलवाएंगे। वो एक कृषि बजट शुरू करने की घोषणा, इसके पीछे क्या आपका हेतु है? आप सारी बातों को ढकना चाहते हैं सभापति महोदय। और सभापति महोदय, यही नहीं, हाल क्या है दिलों का पूछे सनम। मैं पढ़ता हूं तो सभापति महोदय, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। इसलिए सभा में महज एक निवेदन करना चाहता हूं, गालिब ने क्या कहा था, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा एक खून ना निकला। मतलब किस प्रकार की बजट की घोषणाओं के पीछे आपका हेतु क्या है? आपने इस बार बजट के अंदर, बजट पैरा 85 में प्रश्न 32 में कहा, कृषि कार्य में समय की बचत तथा खेती की लागत कम करने के लिए उद्देश्य से लघु और सीमांत कृषकों को उच्च तकनीकी के कृषि उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने हेतु मैं चरणबद्ध रूप से PPP मॉडल पर GSS में एवं अन्य जगहों पर 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूं। 20 करोड़ 3 मिनट समाप्त करें अपनी बात। तो मेरा समय इस वक्त नहीं, समय आपका ही है, काफी हो गया, ध्यान नहीं आपको। सभापति महोदय, आपका समय दूसरा कोई 2021 के अंदर बजट पैरा 39 में इन्होंने क्या कहा, एक साल पहले किसानों को किराए पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सहकारी समिति के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केंद्र खोलेंगे, 8 करोड़ का व्यय होगा। मतलब एक भी राजस्थान में, एक GSS में, एक भी जगह पर अगर कस्टम हायरिंग सेंटर खुला तो मुझे बता दें बस। अच्छा, और अब सभापति महोदय, ये मैं निवेदन करूं, ये जो बजट पैरा 39 में इस बार जो 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त के लिए अल्पकालीन ऋण की इन्होंने घोषणा की, सभापति महोदय 2018-19 का बजट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्पकालीन फसली ऋण 26,000 करोड़ की किसानों को बांटने की घोषणा उस वक्त सरकार ने की थी। और आपने आज जो सदन में बात उठी, सहकारी बैंक से जो ऋणी किसान है, राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना योजना में जो 10 लाख तक का सुरक्षा चक्र उसे मिला था दुर्घटना पर मृत्यु होने पर 10 लाख, आपने उस योजना को बंद कर दिया। सामान्य मृत्यु पर जो जीवन सहकार योजना 1.5 लाख की थी, अगर उसकी मृत्यु होगी तो 1.5 लाख तक का ऋण माफ, आपने उसको बंद कर दिया। और अब आपको नबार्ड ने, अपेक्स बैंक को नोटिस दिया है
राजस्थान में 29 केंद्रीय बैंक है जो 6,559 जीएसएस के माध्यम से ऋण बांटते हैं। हमारे जो एमडी है 12 जिलों के अंदर एमडी, उनकी योग्यताएं ना तो भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुसार है, ना नाबार्ड के, और ना ही राजस्थान सहकारी अधिनियम 27A के अनुसार। अभी 23 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपेक्स बैंक को नोटिस दिया है। ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में आप बैंकों को देकर राजस्थान में सहकारिता की बात को कहां ले जाना चाहेंगे? अध्यक्ष महोदय, अभी नंदीशाला की बात इस बार फिर बजट में कही इन्होंने। हमने प्रत्येक ब्लॉक में नंदीशाला बनाने की घोषणा की थी। इस कार्य को व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नंदीशालाओं पर 1,50,00,000 रुपए के मॉडल के आधार पर आगामी वर्ष में 111 करोड़ की राशि खर्च होगी। अब आपने 2019-20 में क्या कहा था? आपने कहा प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला स्थापित करेंगे, आवारा पशुओं की समस्याओं से जो किसान त्रस्त है वो दूर हो जाएगा। अभी इसी में सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य ने जो प्रश्न लगाया, 1 रुपया खर्च नहीं हो, 19-20 की घोषणा पैरा 19 की घोषणा, नंदीशाला पंचायत समिति में खोलने की घोषणा है, 19-20 चलेगा, 20-21 चला गया, और अब फिर बेसरमे से आप घोषणा कर रहे हो कब हम नंदीशाला बनाएंगे, और अब तो मॉडल दिया 1,50,00,000। मतलब सफर देखिए आप, 19-20 की घोषणा में 2 साल बाद मॉडल दे रहे हैं। सभापति महोदय, आपने कहा था बजट पैरा 19-20 में, पैरा 180 में हमारे जीरो डिस्क्रिप्शन, जीरो करप्शन, जीरो हरेसमेंट में हम लोक सेवा लेखकों के लिए जवाबदेही के लिए सार्वजनिक जवाबदेह कानून लाएंगे। आज 23 महीने से लोकायुक्त उपलोकायुक्त भी है, किसने मना किया आपको सार्वजनिक जवाबदेह कानून लाने से? जो बजट में घोषणा आपने की, आपने पिछली बार कहा 19-20 में कि राजस्व न्यायालय के अंदर 3.5 लाख मामले लंबित है, अब कानून में संशोधन करके कलेक्टर की अपील डिविजनल कमिश्नर को सुना था। ये तो प्रोग्रेसिव लॉ एक अमेंडमेंट करना था। आप मतलब आप कहो कुछ और करो कुछ, इससे ज्यादा क्या हो? अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है ना, अब खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा समय है, आप हमारे समय में कर ले, मेरे नेता कहेंगे तो बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी, मतलब कोई ऐसा मौका गया नहीं जब सदन के नेता ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया हो, और मैं समझता हूँ कॉपीराइट बना लिया। और बात भी सही है, दे दी तूने आजाद बिना खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आपने 19-20 में घोषणा की थी ना, आपने घोषणा की थी कि हम महात्मा गांधी संस्थान और दर्शन म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी। आपने 10 जुलाई को 100 बजट घोषणा 105 में 50 करोड़ की लागत से आपने कहा था कि महात्मा गांधी के दर्शन से लोग रूबरू हो, हमें इसको बनाएंगे महात्मा गांधी संस्थान और महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम। अब फिर आप घोषणा कर रहे हो, मुझे तकलीफ इस बात की है। 2020-21-22 के अंदर प्रश्न 19 में पैरा 43 में फिर कह रहे हो महात्मा गांधी संस्थान और गांधी दर्शन म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी, उसके प्रारंभिक तैयारी पूरी हो चुकी है, और सेंट्रल जयपुर के अंदर सेंट्रल पार्क के अंदर 100 करोड़ बनाई। मतलब मैं समझता हूँ कि आपने कभी पढ़ा नहीं, आपने 2 साल पहले क्या बात कही, और उसके बाद आपने 2020-21 में पैरा 181 के अंदर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 10 करोड़ की लागत से खादी प्लाजा कहा है? मैं सही कह रहा हूं, मैं शिकायत करने जाऊंगा, राहुल जी को भी शिकायत करूंगा और अजय माकन जी को भी करूंगा, पता लगेगा आपको। और सभापति महोदय, ये आप देखें, अगर इंदिरा जी के नाम से आपने 2019-20 में क्या घोषणा की थी, 120 के अंदर। सभापति महोदय, मैं दो बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, मैं एक तो निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि में 1,000 करोड़ की जो आपने घोषणा की थी 19-20 में, फिर उसकी पुनरावृत्ति 20-21 में, पैरा 39 में किया, एक फुट्टी कोड़ी भी आपने इस में खर्च किया तो 2 साल में बताएं। और सभापति महोदय, इसी तरह आपने नेहरू जी के नाम से 20-21 के अंदर फिर बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए आपने जयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, इनमें पुनर्वास केंद्र की स्थापना की घोषणा की, और आपने इसी 20-21 के बजट 56 में 100 करोड़ थे नेहरू बाल संरक्षण कोष की गठन की घोषणा की, एक पैसा खर्च किया बताओ? आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी की घोषणा की 2019-20 में बजट पर 152 में, 21 महीने गुजर गए आपकी कहाँ है? और सभापति महोदय, अंत में मैं ये कहूँगा, मुझे बहुत कुछ कहना था पर आपकी नज़र इनायत नहीं है, ये जो आर्थिक आधार पर पिछड़ों का आरक्षण है,
यह आरक्षण आप वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपना समय खुद तय कर दिया। मुख्यमंत्री जी, सभापति महोदय, इस आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण के लिए अगर बुनियाद किसी ने रखी तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 22/9/2015 में यहाँ से बिल पास करके रखी। पर मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता वाह वाही लेना चाहते हैं, आपने 2021 के अंदर बजट पैरा 54 में आर्थिक आधार पर पिछड़ों के उत्थान व कल्याण के लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की थी। कहाँ है वो घोषणा? आपने अपने जन घोषणा पत्र में विप्र कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। आप सभापति जी आसन पर विराजे हैं, आज किस प्रकार की हालत से विप्र गुजर रहा है? आपने कहा था घोषणा पत्र में संख्या 27 में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे ब्राह्मण वर्ग के लिए, कहां चला गया? हवा हवाई हो गया सभापति महोदय। अब मैं क्या निवेदन करूं सभापति महोदय, अगर मैं सारी बात करूं तो जो घोषणा इन्होंने की वो सारी कपोल कल्पित घोषणा है। और मैं बड़ी जुम्मेवारी से कह रहा हूं सभापति महोदय कि ये जो घोषणा का पुलिंदा घोषित किया है जादूगर के इंद्रजाल माया जाल में, ये असत्य का पुलिंदा है, राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करने का काम है। और मैं समझता हूं बजट का और सदन का जितना अपमान इस बार इस सरकार में सदन के नेता और उनके सहयोगी करते हैं मैं कभी नहीं हुआ, और मैं फिर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अभी तो आप इस मेज को थपथपा रहे हो, जनता में जाओगे छाती को पीटोगे अपने कि जनता आपसे जवाब मांगने के लिए तैयार बैठी है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। राजकुमार शर्मा।